हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम अपने चैनल डब्बन बॉक्सिंग पर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक इमुलेशन की ओर से। आप देख सकते हैं 122 इमुलेशन कार मॉडल की ओर से एक न्यू मॉडल एक्सपीरियंस आरसी रेसिंग कार, और ये कार हमें मिल जाती है बिल्कुल हमारी बुगाटी डिजाइन कार इमुलेशन की तरफ से आने वाली, और आप इसे कई कलर के अंदर मंगा सकते हैं। मैंने इसको मंगाया है ब्लू एंड ब्लैक कलर। डिजाइन हमें BMW जैसा मिलता है, एक स्पोर्ट्स कार और ये हमारे बुगाटी कार का। जिसे इस कार को हम कर लेते हैं ओपन बॉक्स को, नाइफ की मदद से इसके टेप को हम कट कर लेंगे जल्दी से। तो चलिए जल्दी से जैसे मैं इसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, उससे पहले आप हमारे चैनल डब्बन बॉक्सिंग पे आए पहली बार तो चैनल डब्बन बॉक्सिंग को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको ऐसी नई नई कार हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और एक अच्छी सी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर नीचे जाकर कमेंट करके बताएं आपको ये कार कैसी लगी। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज के अंदर बाई किया है, अंडर 500 के अंदर। इसका प्राइस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो करा दूंगा। और कार बहुत ही अच्छी मिल जाती है, कार अच्छे साइज़ के अंदर मिल जाती है, मैं आप देख सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कार कैसी मिलनी चाहिए थी। कार का साइज़ तो इतना बड़ा हमें नहीं मिलता है, बड़ी मिलनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें कि आपको कार का कलर कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं हमारी कार का ब्लैक मिल जाता है, आप देख सकते हैं सामने से वो ब्लैक ही मिल जाती है पूरी कार। विंडो आप देख सकते हैं, साइड विंडो, और विंडो इसकी ओपन नहीं कर सकते हम, और साइड मिरर भी इसके प्लास्टिक के बने हुए हैं जो इससे बिल्कुल जॉइंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कार की क्वालिटी इतनी अच्छी हमें नहीं मिलती, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी होती तो काफ़ी अच्छा लगता। जैसे कि हमारी एक फोर फंक्शन वाली कार है, मतलब राइट लेफ्ट इसके अंदर हमें फीचर मिल जाते हैं, और इसमें लगी हुई है LED लाइट्स को कि हमें देखने में सामने इसके अंदर दो बल्ब लगे हुए मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। देखते हैं कैसे कलर की लाइट्स मिलने वाली हैं इसके अंदर, और सामने इसका डिज़ाइन बिल्कुल बुगाटी जैसा, और पीछे से भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खाली जगह मिल जाती है दोस्तों इस कार में। और बैक में इसमें कोई लाइट हमें नहीं मिलने वाली है इस कार के अंदर, और नीचे की प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं मिलती, ब्लैक कलर की मिलती है। और इसमें मिल जाता है एक एडजस्ट व्हील, आप देख सकते हैं अगले टायर के बीच में, जिससे आप अपने राइट में सेट कर पाएंगे, लेफ्ट एंड राइट में आप इससे अपने टायर को सेट कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर हो जाता है हमारा, इससे हम काफ़ी आसानी से अपनी कार को चला लेते हैं राइट एंड लेफ्ट के अंदर। और एक मिल जाता है हमारा बड़ा सा एंट्री कंपार्टमेंट, यहाँ लिखा हो ओपन, और उसके अंदर हमें अपनी नॉर्मली सेल लगानी होगी 1.8 आपकी नॉर्मली सेल, 3 सेल इसके अंदर लगने वाली है। और जो कार में बॉक्स में ही हमें, अगर बॉक्स में ही कार के साथ हमें इसकी साथ हमें सेल मिल जाती है दोस्तों, बहुत अच्छा ही है, अपने पास से हमें खर्चा करके लगानी होगी। और ये मिल जाता है हमें ऑन एंड ऑफ का एक स्विच रेड कलर का, तो आप देख सकते हैं इससे आप अपनी कार को ऑन एंड ऑफ करेंगे। अभी अब बैटरी डाल के आपको दिखाने वाले हैं, उससे पहले हम कर लेते हैं इसके रिमोट की बात। तो रिमोट पर हमें लिखा मिल जाता है एक एक्स चैलेंज मेजिटी XF इमुलेशन कार मॉडल, जो हमें बॉक्स से सो रहा था इमुलेशन कार मॉडल, इस पर भी हमें सो जाता है, और इसी मुलेट भी लिखा हुआ है। और दो बड़े से बटन मिल जाते हैं, जैसे गेमिंग रिमोट में मिल जाते हैं हमें, तो ऐसे इसके अंदर मिलने वाले हैं। देखते हैं कौन सा राइट एंड लेफ्ट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में वर्क करने वाला है, कोई लाइट इंडिकेटर हमें इसके नहीं मिलता। और एक रबड़ का एंटीना मिल जाता है, ऊपर रेड लाइट मिल जाती है हमें, सिल्वर का एंटीना नहीं मिलता है। एंटीना क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है इसके रिमोट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपने इसके रिमोट को खोल सकते हैं, ओपन लिखा हुआ मिल जाता है, और 20MZ भी लिखा रिमोट को आपको ऐसे ही मिलने वाला है सेम टू सेम जब आप इसको बाई करेंगे। और इसका लिंक आपको फ्लिपकार्ट से, तो आप इसे बाई कर सकते हैं, उसका लिंक भी मिल जाएगा अमेजोन से भी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमें 2 ही सेल लगानी होगी, तो मतलब 5 सेल हमें अपने पास सेल लगानी होगी, 2 सेल अपने रिमोट के अंदर और 3 सेल इस कार के अंदर। ये सेल अपने पास से लगा, और चलिए मैं आपको सेल लगा कर दिखा देता हूँ। चलिए 3 सेल मैं अपनी बुगाटी कार के अंदर डाल लेता हूँ, तो चलिए जल्दी से डाल लेते हैं इसके अंदर बैटरी, और देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं, और देखते हैं इसमें LED लाइट कैसे कलर की मिलने वाली है सामने, और देखते हैं अभी वीडियो बने लास्ट तक इसकी रिमोट रेंज एंड इसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ्ट में कैसी वर्क करती है, राइट लेफ्ट में इसकी स्पीड भी हमें कैसी मिल जाती है। मैंने स्विच को कर दिया हूँ, कोई लाइट इंडिकेटर इसकी साइड में हमें नहीं मिलता, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑन हो गई है। तो चलिए कार को रख देते हैं, और रिमोट के अंदर भी मैं जल्दी से 2 बैटरी आपको डाल कर दिखा देता हूँ जल्दी से इसके अंदर भी अपने। तो चलिए जल्दी से मैंने 5 सेल लगा दिए अपने पास से, देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं, 2 सेल हमने रिमोट के अंदर लगा दिए, देखते हैं हमारी कार। तो आप देख सकते हैं हमारी कार चल जाती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, और आप इसे चलाते हैं आगे पीछे तो आप एक साउंड भी सुन सकते हैं, मतलब स्पीड अच्छी मिलने वाली है, आप देख सकते हैं। और राइट लेफ्ट दिखा देता हूँ आपको इसका, तो लेफ्ट लाइट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है हमें। राइट साइड में इसके रिमोट का जो एक चलाने वाला हमारे बटन मिलता है, इससे आप राइट एंड लेफ्ट में इस कार को चला सकते हैं। और तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ, जब आप इस कार को आगे चलाते हैं तो इसमें हमें मिल जाती है व्हाइट कलर की LED लाइट, आप देख सकते हैं। और जो बैक में भी हमें लाइट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा होता, पर हमें इसमें बैक में आप देख सकते हैं पीछे की ओर चलाते हैं तो कोई लाइट नहीं मिलती, और आप आगे चलाते हैं इसमें व्हाइट लाइट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं अपनी इस कार को चलाकर